सोलन व्यापार मंडल ने हरी बाजार का दौरा किया। इस मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने व्यापारियों को पेश आ रही दिक्कतों के बारे में पूछा। व्यापारियों ने अपनी मांगों के बारे में व्यापार मंडल अध्यक्ष को जानकारी दी। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने सभी व्यापारियों से उनका शुल्क क्षेम जाना और उन्हें जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के बारे में अवगत करवाया और उन्हें नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में सभी व्यापारियों ने जिला प्रशासन का बेहद सहयोग किया, यही कारण है कि आज सोलन सुरक्षित है। वे कामना करते हैं कि शहर के व्यापारी भविष्य में भी इसी तरह अपना सहयोग जारी रखेंगे। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने कहा कि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया था कि शहर के सभी व्यापारियों से व्यापार मंडल मिलेगा और उनकी समस्याओं के बारे में जानेगा और उन्हें हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे सोलन के विभिन्न बाजारों में जाकर व्यापारियों से मिल चुके हैं और उनकी समस्याओं को सरकार के आगे भी रखा जा चुका है। उन्होंने बताया कि वे सोलन शहर के सभी बाजारों का दौरा करेंगे और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते व्यापारी बेहद हताश हो चुके हैं, उनके मनोबल को भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अनलॉकडाउन के बाद व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी हमने एक बैठक की थी, उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि शहर के सभी व्यापारियों से मिला जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए, उनकी समस्याओं के बारे में जाना जाए। तो उसी को लेकर आज मैं सोलन के हरी बाजार में पहुंचा। हम सब ये कोशिश करेंगे कि हम सोलन के हर एक बाजार में जाएं, अपने हर एक व्यापारी भाई से मिलें और उसकी समस्या के बारे में जानें, उसके सुझाव के बारे में जानें। अभी पीछे दो दिन से हमने कुछ अपने 250-300 दुकानों को हमने विजिट किया था, वहाँ से कुछ सुझाव मुझे मिले, तो उन सुझावों में से मैंने कुछ सुझाव जो है इमीडिएट सरकार के समक्ष भेज दिए हैं और मुझे पूरी आशा है कि सरकार उसके ऊपर में पूरा ध्यान व्यापारी हित में देते हुए उसको सॉल्व करेगी। जो भी हमारे पास सुझाव आएंगे हमारे व्यापारियों से, चाहे वो प्रशासन के लिए आएंगे तो प्रशासन के पास पहुँचा दिए जाएंगे और सरकार के लिए आएंगे तो सरकार के पास पहुँचा दिए जाएंगे। आज हरी बाजार से मुझे कोई 3-4 काम यहाँ के व्यापारियों ने बताया है, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ में मेरे पदाधिकारी भी बात करेंगे इस बारे में, और यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, चाहे वो प्रशासन लेवल की है या सरकार लेवल की है, उसको हम बिल्कुल ठीक करवाने का और उन सभी समस्याओं को ख़त्म करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ऐसी हम सभी व्यापारियों को मैं अपनी ओर से सुनिश्चित करता हूँ कि हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं। मैं व्यापार मंडल प्रधान, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं हर एक उस चीज़ में विश्वास करता हूँ जो सरकार के द्वारा बनाई गई है, प्रशासन के द्वारा बनाई गई है, या किसी भी जो भी शर्तें हमारे लिए बनाई गई है, हम सबके ऊपर विश्वास करते हैं और सबके ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे।